हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज हम बनाने जा रहे हैं मावे की बर्फ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बर्फ़ी बनाना। मावे की बर्फ़ी बनाने के लिए सिर्फ हमें इन चार चीज़ों की आवश्यकता है। मावा आधा किलो, चीनी 3 कटोरी, काजू बादाम बारीक काट लिए हैं जो हमने थोड़े से लिए हैं, पानी 1 गिलास। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मावे की बर्फ़ी बनाना। मावे की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है और उस कढ़ाई में जो हम डालेंगे 1 गिलास पानी, चाशनी बनाने के लिए 1 गिलास पानी का यूज़ करेंगे। डालेंगे 3 कटोरी चीनी, 3 को जो है पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं अच्छे से चला देंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने जो है चाशनी को जो है 10 मिनट तक पका दिया है और हमें जो है 3 तार की चाशनी बनानी है और थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है ताकि जब हम इसमें मावा ऐड करें तो हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो जाए। चाशनी को जो है चलाते रहना है। अपने जो है घी लगा देंगे ताकि जो हमारी जो बर्फ़ी है वो चिपके नहीं और अच्छे से उतर जाए, इसलिए हमने एक प्रांत में जो है घी लगा लिया है। ये देखिए, करीब 15 मिनट तक हमने जो है चाशनी को पकाया है। ये देखिए, चाशनी हमारी जो है करीब गाढ़ी होने लग रही है। ये देखिए, चाशनी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। देखिए, 3 तार दिखाई दे रहे हैं इसमें चाशनी में। और ऐसे ही आप हल्का सा कटोरी में लेके जो है ऐसे देख भी सकते हैं और उसको जमा के देख सकते हैं। ये देखिए, 3 तार की चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें मावा डाल देंगे, 1/2 किलो मावा हम इसमें डालेंगे। मावे को जो है चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अच्छे से चलाएंगे, जो मावे में जो लंग्स हैं ये ना दिखाई दें, तो अच्छे से जो है चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे मावे को, जब तक कि लंग्स जो है पूरी तरह से चाशनी में मिल ना जाए। देखिए अब जो लंग्स हैं वो जो अच्छे से चाशनी में मिक्स होने लग रहे हैं, बिल्कुल मावा जो है पूरी तरह से चाशनी में मिक्स होने लग रहा है। मावा जो है चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ये देखिए करीब 10 मिनट तक हमने जो है मावे को चाशनी के साथ अच्छे से पका लिया है, ये देखिए हमारी बर्फी जो है जमने के लिए रेडी हो चुकी है। फिर गाढ़ी करना है, और गाढ़ी होनी चाहिए तभी हमारी जो पंजरी जो है अच्छे से सेट होगी, अदरवाइज हमारी जो बर्फी है वो नहीं जमेगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा कैडी गाढ़ी करना है। अब बर्फी को जो है सेट होने के लिए ऐसे परात में फैला लिया है, जो हमने पहले से घी लगा के रखी थी, देखिए थोड़ा सा काजू बादाम लगा देंगे जो मैंने पहले ही बारीक काट लिया था। जो गार्निश के लिए बारीक काजू बादाम जो हमने काटे थे वो लगा दिया है, ये देखिए, और ऐसी लग रही है कुछ सेम सेट होने के लिए, सेम सेट होने के लिए एक घंटे के लिए रख देंगे, और एक घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स एक घंटे बाद जो है हमारी जो बर्फी है वो सेट हो गई है, ये देखिए उसको जो है काट लेंगे। ऐसे हम जो है दूसरी साइड से काट लेंगे।
जैसे मर्जी काट सकते हैं, जैसे आपको शेप पसंद हो आप उस शेप में भी काट सकते हैं। मैंने जिसको चकोर शेप में काटा है। एक घंटे का जो है हमारी बर्फी देखिए बिल्कुल सेट हो गई है देखिए, और हमने इसको जो चकोर शेप में काट लिया है। ये हमने जो है बर्फी को चकोर शेप में काट लिया है। अब जो है हम बर्फी को काट के अलग कर लेंगे देखिए। इसीलिए हम जो है नाइफ की सहायता से जो है बर्फी को अलग निकाल लेंगे ये देखिए। ऐसे ही हम बर्फी को भी साइड में निकालेंगे। ऐसे ऐसे हम दूसरी बर्फी को भी ऐसे ही निकाल लेंगे और सारी बर्फी को जो है हम ऐसे ही कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बर्फी जो है कितनी इजी तरीके से सेट हुई है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है सारी बर्फी को जो है ऐसे शेप में काट लिया है और हमने जो है प्लेट में सर्व कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मावे की बर्फी है वो दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है ये देखिए। और आप इसको बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए, ये देखिए, फ्रेंड्स प्लीज़ रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।